अरे हाँ अच्छा, कहिए चेक करवा दे, हवा हवा चेक करवा। नहीं नहीं ठीक। अगर भारी दाम में ये वाला है, पोलर का पेडस्टल फैन है, 50 वाट पंखा है। अभी सामान वगैरह वायरिंग का जो है एक भैया है उनका जो है निकाला जा रहा, तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या जो है निकला हुआ है। पापा जो आया था सामान लेने सुबह में, पैसा दिया पूरा कल वाला भी, कितना 2500 2450। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर व्लॉग। तो दोस्तों जो है सुबह सुबह आया हूँ दूध लेने अभी जस्ट, लेकिन यहाँ आया तो यार काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो खुशबू में देखा कहाँ से आ रही है, तो इधर जो पीछे फूल का जो है ये पेड़ है ना, ये सारा वाइट वाइट आप फूल देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी जो है भीनी भीनी जो महक जो आ रही है वीडियो में, तो आप महसूस करने तो मैं महसूस करके बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी अच्छा खुशबू जो है इस फूल का आ रहा है। लेकिन इस फूल का नाम क्या ये तो मुझे नहीं शायद जानकारी है। वैसे जहाँ दूध लेता हूँ यहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए हर चीज़ के। ये जो है नींबू का पेड़ है, बाकी ये सब आम है, जामुन है, हर एक आइटम लीची तक का जो पेड़ यहाँ पे जो मिलेगा आपको। तो दोस्तों जो है अभी दोपहर होने वाला है करीब, मतलब 11:53 हो चुका है, और दुकान तो लगभग 9:30 बजे तक खुल गई थी, लेकिन ब्लॉग जो है काफ़ी लेट से शूट कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिला। अभी सामान वगैरह वायरिंग का जो है एक भैया है उनका जो है निकाला जा रहा, तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या जो है निकला हुआ है। ये रही 6 फीट की पट्टी स्काइडा की, बाकी 6 मॉडल बोर्ड RR कवर एवं तार, प्लस XL की जो है मार्डर स्विच सॉकेट, ये 12 मॉडल बोर्ड 3 पीस, स्क्वायर जंक्शन होल्डर, ये क्या बिट काटी हो गया पर्चा सारा हो गया। मिला लिए हो सब? कुछ लाए भैया, कुछ लाए हैं रखने के लिए? कार्टून ले लीजिए, कार्टून झुलवा लाओ जी, झुलवाना आ जाएगा ना। राज हार्डवेयर, हेलो, दुकान पे हैं भाई? अच्छा अच्छा ठीक है यार, हाँ ठीक आ रहा हूँ। झोलावाद निकाल दो, झोला है ना, आई नहीं है, आ जाएगा, निकालो। चलो इसको पहले मिलवाक पैक करवाते हैं, फिर कॉल भी आ गई है। पहले मिला के सारा सामान बोलते जाओ, रखाते जाए। 12 मॉडल बोर्ड पकड़ो, 12 मॉडल बोर्ड, अच्छा ये अलग कर दीजिए, 3 पीस, 6 मॉडल 3 पीस इधर अलग है साइड में, उधर उधर रखो साइड में, तारे के बंडल उठाओ, इसको भी उधर ही रखो पहले। स्विच 24 पीस, हाँ स्विच, हाँ गिना गया, गिन दिए स्विच, ठीक 12 पीस, ये क्या है सॉकेट डालो, सब मिला लिए हो ना सारा सामान A to Z? चलो तब ठीक, का कुछ बढ़ रहा है क्या? इंडिकेटर वगैरह भी लगा है, हाँ इसी वजह से कहीं मिला के रखोगे तो सब पता चल जाएगा, हाँ क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों जो है अभी रात के बज चुके हैं 8:27, और जस्ट मैं अभी गोला से आ रहा हूँ, एक गाड़ी देखने गया था, मतलब वैगनार मारुति सुजुकी की, वहाँ तो वीडियो वगैरह नहीं कोई खास शूट कर पाया हूँ, तो दुकान पे आया हूँ, सारा सामान अंदर रखा जा चुका है, देख सकते हैं गत्ता वत्ता जितना है, मशीन वशीन पाइप सिर्फ जो है बोर्ड जैसा कि लास्ट में रखा जाता है वही बाहर है, अब रखेंगे तब तक पापा अपना जो है कुछ जो भी कैफ वगैरह उसको सेट कर लेंगे। A few moments later. तो सुबह से जो है निकले थे हम और भाई घर से, और अभी तक खाना पीना नहीं हुआ, करीब बज चुका है 3:30, तो अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट, मैं हूँ, भाई हैं, काजू भाई और राजू भाई, तो ये खाना पीना खाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए, आए थे किसी काम से, काम हो गया अपना। तो अभी जो है आ गया था दुकान पे, दुकान पे इस समय निजामुद्दीन, पापा हैं, अब्दुल्ला और अहद, तो सभी लोग जो है दुकान पे हैं। पापा जो आया था सामान लेने सुबह में, पैसा दिया पूरा कल वाला भी, कितना 2450 कल यहाँ बोल के गया कि हम आ रहे हैं और तुरंत दे रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं, यही कहा था ना वो कि अभी भेजवा रहे हैं, अभी जाके लेके आ रहे हैं, हाँ अभी जाके लेके आ रहे हैं, और आया आज
यही प्रॉब्लम होती है जो है उधार के लिए जो है जब सामान लेना, लेकिन ये गलीमत रहा कि दे दिया, नहीं तो दौड़ाने वाले सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हाँ तो भाई खास थे अदर भाई समझ गए, तो बोले कि अभी जा रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ पैसा, लेकिन वो कल का सामान लेके गए हुए आ जाए। इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बोलते हैं जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, तो कोई कोई छः छः महीना साल साल पर दो दो साल पता चलता है, उसको भुलाना भी पड़ जाता है दुकानदारों को, यही प्रॉब्लम होती है। बाकी बहुत थर्ड क्वालिटी का पंखा इस समय जो दुकान पर आ गया था रिपेयरिंग में, टाइट करते समय जो है बॉडी ही जो है स्क्रू मतलब बॉडी जेट के अंदर घुस गया, अभी वार्थल लगा के उसको टाइट करना पड़ा, अब फ्री होने में उसकी भी प्रॉब्लम होगा, काफ़ी समय लगेगा। ये वाइंडिंग हुआ है कि लूप निकला है? वाइंडिंग हुआ है। जो वाइंडिंग हुआ है पहले रखा दगा कर गया। अच्छा डाँ उड़ के चक्कर में मत पड़िए, कहते भाई हमारी क्या गलती है जो है जब आपका पंखा सही नहीं है, एकदम थर्ड क्वालिटी पंखा लेके आए हैं आप, पत कंपनी हो पता नहीं कौन सा है। अब देखिए एकदम लोकल कंपनी है और फ्री अब हो नहीं रहा, ऑलरेडी ये है ना बाड़ी टूट के जो है स्क्रू अंदर घुस गया था, फिर वार्शल डालना पड़ा, यही है ना टुकड़ा जी। बताइए जो है इतना थर्ड क्वालिटी इतना हल्का पंखा, लेकिन ये कस्टमर जो चढ़ने की कोशिश करेगा कि हम आपके वहाँ सही दिए थे आप ख़राब कर दिए, गलती है सारी जो है दुकानदार पे। निजामुद्दीन को दे दिए थे कल यहाँ पर, ऐसा जो ऐसे ही जो है पता नहीं कैसे टाइट मारा बस पट से जो है टूट गया। दिल से ही काम नहीं करता ये तो मानना पड़ेगा। ये लड़का दिल से काम नहीं करता, हमेशा जो है नुकसान ही कुछ ना कुछ करता रहता है। तो लगी है लगा पलक नहीं लगा एक मिनट, अब चला भाई सर नहीं भारी दाम का नहीं है, आपको रेट से मिल जाएगा। हाँ ये 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा। अरे हाँ अच्छा कहिए चेक करवा दें, हवा हवा चेक करवाएं? नहीं नहीं ठीक। अगर भारी दाम में ये वाला है पोलर का पेडस्टल फैन है, 50 वाट पंखा है, इन्वर्टर से भी चलाइए लाइट से भी चलाइए। क्या हुआ अच्छा? अच्छा आ रहे हैं, चलिए ठीक है जाइए, देखने के लिए आए थे, अभी सोचेंगे समझेंगे फिर आएंगे वापस। हाँ वो रेट निकाल नहीं आए थे। तो चलिए जो है चलते हैं, कुछ कल घर के लिए सब्जी वगैरह ले लेते हैं मार्केट से, एक दो हरी सब्जी। तो परवल का रेट 15 रुपए और नेनुआ आएगा? अच्छा एक किलो आलू दे दो, एक पाव परवल दे दो, परवल 15 रुपए पाव, चलो एक पाव। और भिंडी 40, भिंडी 40, पीला जो भी हो निकाल देना। हाँ नेनुआ है नहीं तुम्हारे पास? बहुत मोटा, बहुत मोटा है वो। तो कितना हुआ तुम्हारा? 35। 35 चलो पैक करके रखो, नेनुआ लेके आते हैं। हाँ
वहाँ देखते हैं नेनुआ ज़्यादा है ठीक ठाक है तो ले लिया जाए 1 किलो। चाची क्या रेट है नेनुआ? 30 रुपया। तनी 1 किलो निकाल दी बढ़िया बढ़िया। बढ़िया भाई, अरे कुछ होगा हमारा भी व्यवस्था। कब? 2-3 तारीख। चलो चलो ठीक। तो सब्जी वगैरह जो है ले लिया गया, तो अब इसी समय जो है इसको पहुंचा दिया जाए पहले घर पे। पापा चाबी दिया। लाओ बाबू सब्जी पहुंचाया घर पे, फिर वापस आते हैं थोड़े टाइम में। तो दोस्तों जो है आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल में यार भाई ने कुछ तो और लिखा था, लेकिन जब वीडियो में गया तो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखा, ये कल और आज दो दिन की वीडियो मिला के जो है ये जो है ब्लॉग बनाई गई है। तो कल जैसा कि मैं सुबह दुकान पर था, कल एक ग्राहक को वायरिंग का पूरा सामान दिया था, 4485 रुपये का बिल बना, अगले ने 2000 दिया, बाकी कहा कि मैं अभी घर जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ। उसके बाद अगला बंदा आया ही नहीं। तो मुझे लगा यार कि लग रहा जो है मुझे बेवकूफ़ बना दिया, और देखा जाए तो इसे कहा ही जाएगा कि अगले ने बेवकूफ़ बना दिया। और इसी तरह से जो है दुकानदार का पैसा फंसता है, ग्राहक बोलेगा अभी मैं घर गया, घर से लेके आया, और जाने के बाद फिर वापस नहीं आता। तो इसीलिए जो है मैं डाला था तमिल में कि जो है ग्राहक ने बेवकूफ़ बना दिया या धोखा दे दिया। तो चलिए ब्लॉग कैसी लगी, अगर ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक का बटन जो ज़रूर दबा दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और टाइम हो चुका है 11:02, रात का मतलब बजने वाला है, सॉरी बज रहा है, तो अब सोने की तैयारी है। तो मैं सोचा जो है वीडियो का एंड ज़रूर कर दिया जाए। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।